जो कि चैलेंज करे। और शिवाजी ने एक हिंदू पद बादशाही एस्टेब्लिश जो कि 150-200 साल चली और बिल्कुल निर्भीक लीडर। बोले रामदेव जी भाग गए, शिवाजी भी भाग गए थे जेल से, तो भागने से क्या होता है, अपना जीवन बचाना है। बहुत लोग हमारे भागे हैं इतिहास में, भाग के जीवन बचाते हैं। आपका क्या ख्याल है, शिवाजी कहते नहीं मैं भागूंगा नहीं खेत से, मैं ये रहूंगा। तो उन्होंने शिवाजी के आने पे, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं इतिहास का स्टूडेंट था बीए में, बहुत शर्त लगती थी हिस्ट्री पढ़ती, जब महाराणा प्रताप के आते थे थोड़ा आने लगता था, फिर शिवाजी पे, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जैसा भुल्ले शाह ने कहा, भुल्ले शाह एक सूफी पोएट थे पंजाब के, उन्होंने कहा ना कहूँ तब की ना कहूँ जब की, मैं कहूँ अब की, ना होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सबकी। ये उन्होंने सूफी पोएट को तस्वीर दी। पिता को उन्होंने कहा, जब 13 फैमिलीज कश्मीर की बची थी, वो आई आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर के पास, और उन्होंने कहा कि ये हमारी दुर्दशा है, रोज एक मन जिनेऊ उतार के हमारे यहाँ ये हमें वो खाने को वो खाता है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा किसी बड़े आदमी को अपने जीवन दान देना पड़ेगा। तो गुरु गोविंद सिंह जो उस वक्त 9 साल के, उन्होंने कहा आपसे बड़ा कौन है, तो पिता को भेजा। पिता देखिए, मैं किसी के लिए किसी का काम नहीं करता। जीसस इज ए ग्रेट ह्यूमन फिगर, नो डाउट, जीसस की सेक्रीफाइस की, पर जीसस को तो राजा ने पकड़ लिया। और दो आदमी थे, एक डाकू था बराबास और एक जीसस, और जीसस को भी उम्मीद थी कि एक को छोड़ना है मुझे छोड़ दिया है। और राजा ने गलती किया कि लोगों से पूछ लिया, लोग तो उल्टी पति के होते हैं, और उन्हीं के लोगों ने कहा डाकू को छोड़ो, डाकू को छुड़वा दिया, जीसस को फांसी लगी। पर गुरु तेग बहादुर तो खुद गए, पकड़े नहीं गए, खुद गए, खुद जाके उन्होंने कहा कि आप मेरा धर्म परिवर्तन कर लीजिए तो मैं आपको कौल वचन देता हूँ कि सारे हिंदू कन्वर्ट रहेंगे। और आपको बाकी कहानी बताई है, गुरुद्वारा में हमने कई बार सरकार को लिख के भेजा कि आप जो फॉरन आपके विजिटर आते हैं आप उनको मुर्द घाट में ले जाते हो, ताजमहल में टूम से जाते, आप उनको यहाँ लेके कोशिश करें। अगर कोई नेशनल मॉन्यूमेंट है तो वो है, और महंते जी तो समझते हैं कि क्यों ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। तो उसके बाद गुरु गोविंद सिंह को सारा जीवन उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब शस्त्र के बिना बात नहीं बनेगी। उन्होंने शस्त्र उठाया, फिर उनके चार बेटे 13 साल का 11 साल का 8 साल का 5 साल, 13 साल का बेटा लड़ाई में मारा, 11 साल का लड़ाई में मारा, और दो छोटे लड़कों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, जिंदा। और जब चुनवा दिया गया तो बाद में लोग गए नवाब के पास सरहिंद के, तो नवाब साहब बच्चों का चिड़ियाघर करना है कि जगह दीजिए, उसने कहा जगह है ही नहीं, चिड़ियाघर कहाँ का होगा, रहने दो दीवार में चढ़। तो एक सेठ था, मान जी वहाँ फतेहगढ़ साहब हैं तो वहाँ एक बहुत बड़े द्वार बने हुए हैं, एक है टंडन द्वार और एक है मेहता द्वार। ये हमें जानना चाहिए, देखिए जिस पर जिस जिस जो जो कीमत से चुका के उन लोगों ने हमारे लिए हमारी संस्कृति को जीवित रखा है, हमें उनके लिए उनका ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। तो वो टंडन जो था सेठ था, उसकी 15,000 बैलगाड़ियाँ थी, ये ऐसा समझिए जैसे आज किसी के पास 15,000 ट्रक हो। उसने वो गया नवाब के पास, तो सेठ था, तो नवाब ने उनसे बात की, उन्होंने कहा सेठ जितनी जमीन में सोने की बोरे खड़ी कर देगा, बिटानी नहीं है, खड़ी कर देगा उतनी जमीन नहीं। और फतेहगढ़ साहब का जो गुरुद्वारा है 1-2 किलोमीटर में, उसने अपनी सारी बैलगाड़ियाँ बिजनेस जमीनें जायदाद मकान बेच दिए और सारी जमीन को काट दिया सोने की, और उसको उसकी पूरी फैमिली को मार डाला गया वहाँ उनका किराया। किस तरह का इतिहास है इस देश का, ये तो संस्कृति है,
इसकी रक्षा, और इसके रक्षक बड़े कम होते हैं। ये एक थोड़ा ये देखिए कि जो आजकल जिस जो संस्कृति हमारे शहरों में आ रही है, या जिस संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, जिसका मैं कह रहा हूँ कि हमारी संस्कृति एक दूसरा आकर देखे, तो उसका आप देखिए ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ये इस वक्त संकट में है, क्राइसिस में, संकट बहुत भारी। एक तो सबसे बड़ी बात देखिए, आप सोचिए 60 से लेके आज तक कहीं ना कहीं ये युद्ध करते रहते हैं, कहीं ना कहीं, और बिना पूछे चले जाते हैं जजमेंट के, जैसे लीबिया में कि लोगों को ये चाहिए हम दे दिया, हर मुल्क में चले जाते हैं और हर साल युद्ध कर। हिंसा इस संस्कृति का एक सभ्यता का जो एक सबसे बड़ा फीचर है वो है हिंसा, ये हिंसावादी। अब मैं को जैनी जो हैं, जैन उनके ग्रंथों में है सर, नदी का प्रवाह रोकना भी हिंसा है, नदी का प्रवाह रोकना भी हिंसा है। और आप जैन को जानते हैं कि वो किस प्रकार नंगे पांव चलते हैं, ये सब हमारी संस्कृति का एक उत्कर्ष है कि अहिंसा जीव की तरह रखें। तो ये संस्कृति का पहला, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, 5 मिनट में मैं थोड़े मोटे मोटे बिंदु बताऊंगा। पर्यावरण का नाश इस सभ्यता की देन है, पर्यावरण, क्योंकि डेकार्ट ने 16वीं शताब्दी में कह दिया कि गोल ऑफ नॉलेज इज टू बेंड नेचर टू मैन्स पर्पस, नेचर को बेंड करके अपने पर्पस को के लिए, ये हमारा गोल है। ज्ञान का गोल है पावर, पावर किसके लिए, दूसरों पे राज करने के लिए और प्रकृति को मोड़ तोड़ के इंसान की सेवा में लगाने के लिए। उसका जो कह है, अब हमारे यहाँ भी ज्ञान का अपना, ज्ञान का एक ध्येय है, हमारे यहाँ भी ज्ञान का ध्येय पावर है, पर पावर नॉट ओवर अदर्स, पावर ओवर योर सेल्फ, अपने ऊपर पावर, अपने ऊपर को डिसिप्लिन करना रहता है। तो पर्यावरण का नाश, दूसरा उनका है महामारियाँ जो खत्म हो गई, टीवी वगैरह वो वापस आ गई, क्योंकि ये जो एसी गाड़ियाँ चलती हैं, एसी में जो लोग रहते हैं उसकी वजह से जो महामारियाँ खत्म हो गई थी वापस आ गई हैं, और कुछ नई महामारियाँ आ गई हैं जैसे कि एड्स। तो आपने तो पढ़ा होगा कि जो दवाइयों को हर साल नई नई दवाई बनानी पड़ती है, मलेरिया की जो दवाई थी अब वो असर नहीं करती, मच्छर जो है वो ट्रेन हो गए, मच्छर उस बीमारी उस दवाई को खा के मच्छर और ताकतवर हो जाते हैं, तो अब उनके लिए नई दवाई बनानी पड़ती है। तो महामारियाँ, पर्यावरण महामारियाँ, तीसरा भोगवाद, भोगवाद बहुत, उनकी कोई भी चीज़ आप लीजिए, आप कंप्यूटर खरीदते होंगे, गाड़ियाँ खरीदते हैं, स्कूटर, कोई भी चीज़ नहीं है वो, इट कम्स विद इन बिल्ट ऑब्सोलेंस। आपने आज लिया कंप्यूटर, 6 महीने बाद एक आएगा जिसमें स्पीड आपसे ज़्यादा, जिसकी कैपेसिटी आपसे ज़्यादा और जिसमें फीचर आपसे ज़्यादा होंगे, मतलब आप हर वक्त खरीदते जाइए या बेच दीजिए या रखते जाइए और नई चीज़ लेते जाइए। तो ये जो इनबिल्ट ऑब्सोलेसेंस के साथ और कंजम्पशन मैक्सिमम, हमारे यहाँ मैक्सिमम नहीं था, हमें याद है हमारी माँ कहती थी बेटे अगर तुम्हें 3 रोटियों की भूख है ना तो 2 खाओ। आजकल लोगों के पास जितना पैसा है, पहले केंटकी फ्राइड चिकन खा लिया, फिर बर्गर खा लिया, फिर जो मिलता है खा लिया, और ओबेसिटी मोटापा जो कि वेस्ट की बीमारी थी, आजकल पंजाबी दिल्ली के जो पंजाबी हैं, पंजाबी मदर अपने मोटे बच्चे को डॉक्टर की टेबल पे बैठा के कहती है डॉक्टर साहब इसको भूख नहीं लगती, नहीं लगती तो ये इतना मोटा कैसे हो गया। तो ये जो भोगवाद है, ये मैं कुछ लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस पर भी सीरियस एक प्रॉब्लम नहीं कंजम्पशन अनसस्टेनेबल जाएंगे। घातक विज्ञान और घातक टेक्नोलॉजी, जितनी टेक्नोलॉजी है, ये अभी एक स्टडी हुई है उसमें लिखा है कि ये प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव अवन, जरा सोचिए, खासकर बहनें जो बैठी हैं घर में सब कुछ होगा, प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव अवन, रेफ्रिजरेटर, गीजर, एयर कंडीशनर और कार, इन 6 चीज़ों ने
लोगों की सेहत खराब कर दी। जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ अनफॉर्चुनेटली है, मेरे पास पर टाइम नहीं है, मैं आपको दिखाता वहाँ की लेडीज, और वहाँ के घर के अंदर मुझे एक बूढ़ी माता खाना खिला के चूल्हे को पोंछ पाछ के, क्योंकि खाने खिलाने के बाद सब साफ करके पोंछ पाछ के रखना, जो सेहत जो फिटनेस रहती है उसमें। मैं फोटोग्राफ्स हैं लड़कियों की जो सर पे वो उंगले उठाए जो जा रही हैं आ रही हैं और हंस रही हैं, यानी कि उनका शोषण हो रहा है। आजकल शहर वाले लोग कहेंगे कि शोषण हो रहा है किसी को, जो आदमी अपने घर के लिए काम करता है उसको ये नहीं होता कि मेरा शोषण हो रहा है, क्योंकि भाई अपना काम कर रहा है, पिता अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। तो ये जो नया टेक्नोलॉजी है ये घातक है, ये घातक है। और ये इतना पर्यावरण का नाश हुआ है वो टेक्नोलॉजी से हुआ है, एसी वगैरह और ये जो गाड़ियाँ हैं प्रदूषण जो होता है सारा एसी से होता है। आप वापस नहीं जा सकते, मैं मानता हूँ कि आप वापस नहीं जा सकते। ये ऐसा लहर चल रही है कि इसको रोकना भी शायद कठिन है, पर ये लहर अपने आप झीली बन जाएगी, आपको गिनेगी नहीं ज़्यादा। हम भी अब आधे से ज़्यादा लेट हो गए उसमें बह गए धारा में, पर खुशी की बात ये है कि लाखों लोग आपको इस देश में मिलेंगे जो इन मूल्यों से रहते हैं, आपको हर जगह मिलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आप किसी ऑफिस में जाइए, सब लोग कहते हैं लोग काम नहीं करते ऑफिस नहीं करते, पर हर ऑफिस में आपको तीन ऐसे मिलेंगे जो काम करते हैं। उन्हीं की वजह से वो बैंक चल रहा है, वो पोस्ट ऑफिस चल रहा है, ये बंद हो गया। तो ये जो कहते हैं ना कि कलयुग में गाय का एक पैर धरती पर लगा है, तो गाय का एक पैर धरती पर अभी भी लगा हुआ है, इसलिए ये देश अपने आप चल रहा है, इसे कोई चला नहीं रहा, और ये देश अपने आप चलेगा, ये सरकार से नहीं चलता। जब कुंभ का मेला होता है 5 करोड़ आदमी होता है, वो अपने आप लाइन लगा के स्नान करते हैं, और वेस्ट वाले लोग हैरान होते हैं कि इतने ज़्यादा लोग, उसके लिए तो 10 लाख की पुलिस चाहिए थी, यहाँ तो है। सेल्फ गवर्निंग पीपल, वी आर ए सेल्फ गवर्निंग, ये हमारी एक वैल्यू है। दूसरा सर्वशांति, हमारी जो अपन पेड़ पौधों को भी शांति, नदियों की भी शांति, आकाश की शांति, लोगों में शांति, ये जो ये एक हाइएस्ट सिविलाइजेशनल वैल्यू पीस एज अगेंस्ट वॉर जो मैंने बताया पिछले 40 साल से बेच कर रहे हैं। थर्ड, हम दुनिया को मार्केट नहीं मानते, ये जो ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल उसका मतलब है सारी दुनिया एक मार्केट है, हम दुनिया को एक फैमिली मानते हैं, कुटुंब, ये बहुत बड़ी वैल्यू, भाई बंधु, ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है कि सिर्फ हम ही कहते हैं कि दुनिया को और कोई नहीं कहता, मतलब हम सबको भाई बनाने को तैयार हैं, हमें भाई बनाने को तैयार सब लोग नहीं हैं। पर एक जगह मैंने पढ़ा था जब मैं छोटा था, एक बोर्ड नोट्स कर रहा था, यस इट इज ट्रू पीपल डू नॉट टेल द ट्रूथ बट यू कीप ऑन टेलिंग द ट्रूथ, यस इट इज ट्रू पीपल आर वायलेंट बट यू रिमेन नॉन वायलेंट, ये यस पीपल चीट बट यू रिमेन ऑनेस्ट, तो हमें ये देखना दूसरा क्या कर रहा है, अपना रास्ता जो है उसी में चलना। चौथा निवृत्ति, हर चीज में हमारे रहता है, जब हमारी जो हाउस वाइफ है ना इंडिया की, उनकी वजह से इस देश की इकोनॉमी चलती है, या आप आजकल इकोनॉमिस्ट से बात भी करेंगे सारी दुनिया में इकोनॉमी हिल गई, इंडिया की इकोनॉमी नहीं हुई, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी हाउस वाइफ के हाथ में है। बच्चों के स्कूल में एवासन सेंटर्स, बच्चों को टॉफी बिस्किट के साथ बनते कंडोम, और पश्चिम के लगभग सभी देशों में अवैध तरीके से पैदा हुए बच्चों के लिए चीखती चिल्लाती हॉस्टल कॉलोनीज की मांग करती हुई भीड़,
ऐसी ही सभ्यता की तरफ जो लोग बड़े लालायित नजरों से देख रहे हैं, उनके लिए प्रोफेसर कपूर जैसे मनीषी चेतावनी की एक घंटी बजाने वाले। मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ आपके वक्तव्य पर मुझे यह सभागार निश्चित तौर पर बेहद इनरिच हुआ है, बहुत समृद्ध हुआ है, बहुत भाग्यवान है वे जो आज इस सभागार में उपस्थित हैं, प्रोफेसर कपूर को जिन्होंने सुना। मुझे लगता है कि एक बात नहीं, आपने इस दर्शक दीर्घ का इतिहास बहुत पढ़ा है। हमें लगता है कि हमारे पूज्यवत छोटे महाराज से यहाँ बैठे हम बार बार अपने प्राचार्य जी से निवेदन करेंगे, ऐसा अवसर पैदा करें कि प्रोफेसर कपूर बार बार यहाँ आए। यह इतना बस सुनने से इतिहास मिलने वाले नहीं है, हमें बहुत कुछ पढ़ा। आपने जो जगा दिया, आपने इस दर्शक दीर्घ की सभागार की प्यास को जगा दिया, लेकिन उसे पानी भी पिलाना होगा अपने ज्ञान से, अपने इसी दिशा बोध से। हम बार बार आपको सुनना चाहेंगे प्रोफेसर कपूर का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ट्रस्ट ने आपको बुला करके आज मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी ऐसी भावना है कि खुद को और सारे आयोजकों को खुद सम्मानित कर दिया है आपको, हम बेहद सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कपूर। और भारतीय संस्कृत की जिस विधा को, जिस दर्शन को, जिस चिंतन को, जिस बहुआयामी आयाम को, जिस चिंतन धारा को आपने यहाँ उकेरा, जिस भावभूम को आपने यहाँ सभागार के सामने इस मंच से रखा है, मैं अब उसी के एक ऐसे रक्षक हूँ जो संसद से लेकर सड़क तक मातृभूमि की और भारत माता की उस समृद्ध चिंतन धारा को सजोने की, निखारने की, ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपने जीवन को लगा दिए हैं। एक चेहरे की जिंदगी जीते हुए राजनीति में कितना कठिन होता है एक चेहरे की जिंदगी जीना, ऐसे चिंतक, विचारक, मनीषी केवल हिंदुओं के ही नहीं, केवल नौजवानों के ही नहीं, संपूर्ण भारतीयता जिनके मन में, जिनके दिलों में रहती है, ऐसे सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत, तमाम सारे लोगों की चिंता की